गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह सुबह की शिक्षा जगत की खबरें लेकर के मैं प्रेजेंट हो गया हूं। और ये ऐसी खबरें होती है जो कि आपकी कैरियर से रिलेटेड होती हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि आज की शिक्षा जगत की क्या खबरें हैं। सहायक अध्यापक बने प्रवक्ता, राजकीय विद्यालय के एलटी ग्रेड शिक्षकों को मिली प्रोन्नति। दोस्तों देख सकते हैं, राजकीय विद्यालय में तैनात एलटी ग्रेड सहायक अध्यापकों के लिए अच्छी खबर है। सैकड़ों की संख्या में सहायक अध्यापकों को प्रवक्ता के पदों पर प्रोन्नत कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPSC में मंगलवार को हुई विभागीय प्रोन्नति समिति DPC की बैठक में प्रमोशन पर अंतिम मोहर लगाई गई। प्रमोशन के लिए DPC 12 साल बाद हुई है। ऐसे में शिक्षकों को प्रमोशन के लिए एक दशक से अधिक समय तक इंतजार करना पड़ा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, आसू लिपकों के प्रमोशन के लिए मांगी रिपोर्ट। शिक्षा निदेशक बेसिक ने सभी मंडली संयुक्त शिक्षा निदेशकों से अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत आसुलिपकों को व्यक्तिगत सहायक ग्रेड टू पर प्रोन्नति के लिए कि 5 वर्षों को गोपनीय आख्या प्रमाण पत्र एवं आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया है। दोस्तों आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, देख सकते हैं, भर्ती परीक्षा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज। जूनियर हाईस्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 की तैयारियों की समीक्षा को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव अनामिका सिंह आज दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच सभी मंडल मुख्यालय के आयुक्त और जिलाधिकारियों के साथ मंडलवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 17 अक्टूबर को मंडल मुख्यालय पर होने वाली परीक्षा की व्यवस्था और तैयारियों के बारे में जानकारी लेंगी। आवेदन की अंतिम तिथि नहीं बढ़ेगी। कर्मचारी चयन आयोग सिलेक्शन पोस्ट 2021 परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। आयोग आवेदन की अंतिम तिथि को आगे नहीं बढ़ाएगा। ऐसे में आवेदन के इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि के पूर्व जरूर आवेदन कर लें। दोस्तों आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, आज आवंटित होंगे विद्यालय, नहीं खुली वेबसाइट, निराश होकर लौटे शिक्षक। दोस्तों पारस्परिक तबादले के बाद जिले में आए शिक्षकों को मंगलवार को भी विद्यालय आवंटित नहीं किया जा सका। देख सकते हैं दोस्तों, TT अब तक 2.5 लाख ने किया आवेदन। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 UPTT के लिए अब तक 2,05,000 अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन कर चुके हैं, जबकि 3,56,000 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। 7 अक्टूबर से UPTT के लिए ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं, प्रधानाचार्य पद पर चयनितों की काउंसलिंग शुरू। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की ओर से प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्राचार्य के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई है। संयुक्त शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर राजीव पांडे के अनुसार चयनित प्राचार्यों की ऑनलाइन आसन व्यवस्था के लिए SIC लखनऊ की ओर से वेबसाइट दी गई है, विकसित की गई है। चयनित प्राचार्यों को 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तक संबंधित वेबसाइट पर मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से अपने द्वारा पूर्व में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में दिए गए विकल्पों का अवलोकन कर लेना और विकल्पों पर सहमति देकर सबमिट करना है। विकल्पों में परिवर्तन किया जा सकेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई है, सहायक निदेशक के पद के लिए इंटरव्यू 20 को स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर मांगे आवेदन। दोस्तों आप देख सकते हैं आज के समाचार पत्रों में ये भी खबर छाई हुई है, इग्नू, आप देख सकते हैं, इग्नू में जुलाई सत्र के लिए 25 तक आवेदन का मौका। अगर आप चाहते हैं कि सबसे प्रमाणित वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट साइड में आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि आप जानते हैं हम प्रमाणित सूचना देते हैं। एंड तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू सो मच एवरीवन।